टेक्नोलॉजी को सीखना विद्यार्थियों को देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने का सुअवसर प्रदान करता है। यह न केवल उन्हें नवीनतम तकनीकी ज्ञान देता है, बल्कि नई खोज और उसके उपयोग कर वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन करने का भी अवसर प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी सीखकर विद्यार्थी नवाचार और उपयोगी बनाकर व्यापार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, रक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर जीवन को गुणवत्ता प्रदान करते हैं, जिससे देश आर्थिक और सामाजिक दृष्टि में सशक्त बनता है। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल खरगोन अध्ययनरत विद्यार्थियों को जूनियर साइंटिस्ट बनाकर वैश्विक स्तर पर योगदान देने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। आईआईटी कॉलेज पवई से जुड़े टेक्नोकोर्स की एक टीम आदित्य इंटरनेशनल स्कूल आई हुई है और विद्यार्थियों को मोटर्स, माइक्रो कंट्रोलर, जीपीएस, नेविगेशन, पावर मैनेजमेंट यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेंसर, मशीन ब्रेन, ड्रोन कंपोनेंट सेंसर इंटीग्रेशन, फ्लाइट कंट्रोल एवं ऐसी नवीन टेक्नोलॉजी जिससे शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा क्षेत्र में क्रांति आ सके, इसके संबंध में प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण पश्चात विद्यार्थियों का एक समूह आईआईटी कॉलेज पवई जाएगा, जहां देश भर से 4000 से अधिक विद्यार्थी एडवांस टेक्नोलॉजी एवं नवाचार का प्रदर्शन करेंगे। आईआईटी पवई में आयोजित होने वाली इस टेक्नोलॉजी में मध्य प्रदेश के 4 स्कूल भाग लेंगे, जिसमें खरगोन का आदित्य इंटरनेशनल स्कूल भी शामिल है। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। मैं अदिति जायसवाल, स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8 स्टडिंग इन आदित्य इंटरनेशनल स्कूल। I am getting the training of drone technology, in which I am learning to handle the drone in challenging situation. I am also learning that how AI will help us for flawless operation. After that, we will participate at IIT competition at Pawai. There, the students from all over the country will join. I like to shine my school name and our state Madhya Pradesh. Thank you. Aditi Jaiswal. Agarwal, student of grade 8 from Aditya Vidya Vihar International School. A team of IITN from Delhi is guiding us for drone and robotic technology. After that, we will participate championship at IIT Pawai, and we are representing our school Aditya International as well as whole Lima region, and I hope we will win championship. Thank you. Hello and good morning everyone. I am Amish Badar from class 6. I am one of the participants in robotics and drone making training workshop in our school. I am very happy to be the part of this workshop that will lead us at IIT Pawai, Mumbai for further competition and our excellent presentation there. This is very excellent and notable for me to step towards on my aim. Thank you to respected director sir and principal ma'am to give us such a great platform. Thank you. And good morning. I'm Samya Thao from class 6 and I'm taking the training of robotics and drone making workshop, which is organized in our school. The IITians from Delhi had came us to train us for our excellent performance in IIT Pawai. Yes, we are going to Pawai for our presentation on robotics and drone making. This is only possible because of our director sir and principal ma'am to give us such a wonderful opportunity, and I'm pretty sure that we will give our 100% there. Thanks a lot. My name is Soumya Sahu. Bharat ki technology, Bharat ke scientists, technocrats, IITN global level par yogdan de saken, is uddeshya se Bharat sarkar ke IIT college desh ke kuch chune hue schoolon ke sath वर्कआउट कर रहे हैं, उनसे एसोसिएट आईआईटीएंस आते हैं, विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें इनोवेशन, नए नए आविष्कार कैसे हो सकें, उन्हें मानसिक रूप से तैयार करते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी बताते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, इनसे जुड़ी हुई डीपर पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देते हैं। वर्तमान में आईआईटीएन की एक टीम विद्यालय में आई है, जो पिछले एक सप्ताह से विद्यार्थियों को सतत इस संबंध में टेक्नोलॉजी के संबंध में ट्रेनिंग दे रही है। हमारे विद्यार्थी भविष्य में बड़े बड़े आविष्कार कर सके, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं। इसी संबंध में जनवरी 2024 में आईआईटी मुंबई, जिसे आईआईटी पवई कहते हैं, वहाँ विद्यार्थियों का एक दल जाएगा और जो भी आविष्कार से जुड़ी हुई उनकी कंसेप्ट होगी उसे वहाँ पर आईआईटीएंस के सामने रखेगा। मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के 4 स्कूल इस पर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एक आदित्य इंटरनेशनल स्कूल भी पंजीकृत है।
गत वर्ष विद्यार्थी आईआईटी कॉलेज से टेक्नोलॉजी चैंपियनशिप जीत कर आए थे। हमें भरोसा है इस वर्ष भी विद्यार्थी टेक्नोलॉजी चैंपियनशिप जीत कर संपूर्ण निमाड़ का नाम भारत देश में रोशन करेंगे।